क्लास लास्ट क्लास में अपन ने सरफेस एरिया के वॉल्यूम को चैप्टर हाफ किया, वो शॉर्ट किया था। उसके अंदर अपना क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर जो है, ये तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अपने। इस क्लास के अंदर अपन जो आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कोण, कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या होता है, कोण की शेप, आपके पास नाम जैसे कोण आया आपके दिमाग में उसकी पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए अपने आप कि कोण कैसा होता है। एज ए जोकर के वो तो मैं आपको ये कोण है, इस कोण में, इस कोण के अंदर तो क्या क्या चीजें हैं। नीचे आपके पास सर्कल है, ये जो इसका बेस है वो इमेजिनरी सर्कल, बेस सर्कल से मिलकर बना है और ये इसके अंदर रेडियस है, इसको बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे, आर के तौर पर इसको इंडिकेट करेंगे। ये जो इसको बोलेंगे हाइट, हाइट ऑफ द कोण, हाइट ऑफ द कोण। फॉर एग्जांपल ए बी सी और ओ है, तो ए ओ जो है, ए ओ जो है वो हाइट ऑफ द कोण है। अभी हाइट ऑफ द कोण ए होगी, उससे होगी रेडियस, और फिर एसी क्या चीज है, एसी को बोलेंगे एल। एल का मतलब स्लेंट हाइट, एल से हमारा यहां मतलब है स्लेंट हाइट, मतलब तिरछी जो लाइन होती है, इधर जो ऊंचाई है उसको बोलेंगे स्लेंट हाइट। तो इसको अपन एल के द्वारा डिनोट करेंगे। इसका जो सिंबल ऑफ एच है, ये हमारा एच है, ये हमारा आर है। तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आर, एल और एच। तो बात करेंगे पहले क्या पर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो अपन चैप्टर का नाम भी यही है। तो कवर सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया जिसको अपन बोलते हैं सीएसए और एलएसए, इसके अंदर कवर सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया और कोण क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मतलब 2 पाई आर जो 22.7, आर रेडियस गिवन हो गया आपको एल। एल के लिए आपके पास हाइट दी होगी, ध्यान करना ये हाइट दी होगी, आपको स्लेंट हाइट निकालनी होगी, स्लेंट हाइट आप फाइंड करोगे। अब इसके बाद है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल, ये बनता कैसे है बनाना बता रहा हूं, फॉर्मूला ये होता है लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस लिटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया, बेस क्या है, सब्सट्रेट, सब्सट्रेट का एरिया होता है पाई आर एल का स्क्वायर। अब इनको आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, इसमें पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। फाइनल फॉर्मूला अपना ये है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो सबसे पहले और लेटर से पहले एक चीज और, आपको जो हाइट भी हो तो एल कैसे निकालोगे, हाइट भी हो तो एल कैसे निकालोगे, तो रिलेशन बिटवीन हाइट एंड स्लेंट हाइट यू नो दैट। ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है ए ओ सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है अपन क्या करते हैं पाइथागोरस, तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस अपन एल भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं और आर भी निकाल सकते हैं। और मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर वी नो एल इज इक्वल, एल कैसे आएगा, रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है कि यहां रूट नहीं होता, एल का स्क्वायर इज इक्वल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है पाइथागोरस, बट इसका स्क्वायर में बाहर ट्रांसफर हुआ तो ये किस में जाएगा, ये रूट में जाएगा। एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर अपने जो चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं
एक्स लेंथ हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द कवर सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया का सीएसए, तो सीएसए का फार्मूला मैंने आपको अभी दिखाया पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो आपके लिए वी नो कवर सरफेस एरिया या सीएसए इज इक्वल पाई आर एल। पाई के लिए आपको सब पता है 22.7 आर, आपके पास डायमीटर है तो आप आर निकालोगे, आर इज इक्वल इसकी हाफ होती है 10.5/2, तो 10.5/2 अगर इसको सॉल्व यहां कर लेंगे एल स्लेंट हाइट 10, ओके काटते हैं इसको 7 × 7 = 5, ओके अब इसको काटेंगे 11 टाइम, ऊपर क्या लग गया 11 × 1.5 × 10 = 11 × 15 = 165 cm². ये अपना आ गया कवर सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कोन है उसका कवर सरफेस एरिया कितना आ गया 165 cm², ओके। तो सेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है जैसे इसमें तो पूछा था सीएसए और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा आपसे टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इजीली आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, वो आपके लिए मैंने ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन। कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आंसर दे दिया आपको कवर सरफेस एरिया इज इक्वल 300 कवर सरफेस एरिया आपको दे दिया 300 है, स्लाइड हाइट 14 है, आपसे दो चीज पूछी गई है, एक पूछी रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, हमें दिया हुआ क्या है सीएसए, क्या दिया हुआ है सीएसए जो कितना है 300, और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इज इक्वल 300, पाई की वैल्यू 22.7, आर आर हमारे पास है नहीं, एल एल कितना है 14 इज इक्वल 300, आर को ही रखो बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं 308 / 7 डिवाइडेड बाय 22 / 14, ओके अभी 7 × 14 11 × 22 11 बच जाएगी, ओके 4 × 7 = 28 आर कितनी आ गई 7, हमारा जो रेडियस है रेडियस ऑफ द कोन वो आ गई 7 cm, ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट आंसर अपना फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा सेकंड नंबर टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टीएसए टीएसए आप निकाला तो दो पैटर्न से निकल सकता है, मैंने दोनों बताया आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्लीट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन है, आप चाहे पार्टली निकालो पार्टली निकालो तो ये फायदा होगा कि आपके पास पाई आर एल दिया हुआ है तो आपको इतना ही निकालना होगा, अदरवाइज पूरा निकाल लेंगे, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22.7 आर की वैल्यू 7 एल एल कितना अपना 14 प्लस 7, ओके 7 से 7 कैंसिल 22 × 21, ये अपना टीएसए आ चुका है, टीएसए निकाल लिया अपने रेडिएशन निकाल ली, अब इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको सॉल्व करना है, तो आज की क्लास में कितने मिलेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट आपको सॉल्व है, सेकंड एज इज है, थर्ड सॉल्व कर दिया, फोर्थ भी इस पे भी सिमिलर है, तो आज के इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।